ये है Moto Edge 50 Fusion और इस वीडियो में हम लोग इसका कैमरा टेस्ट करने वाले हैं, बात करेंगे सारे फीचर्स के बारे में और कैसा है कैमरा, आपको लास्ट में पता चल जाएगा ओवरऑल और क्या ये लेने लायक है या नहीं कैमरा वाइज। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे फोटो, वीडियो, स्लो मोशन और इधर पोर्ट्रेट, इसको भी आप जूम कर सकते हो अपने हिसाब से। तीन मोड मिलते हैं इसमें भी, फिर उसका प्रो मोड भी मिलता है, आप इसमें ISO वगैरह सेट कर सकते हो। फिर स्कैन मिलता है, आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को स्कैन कर सकते हो। फिर मोर मिलता है, इसमें आपको पैनोरमा, फिर उसके बाद फोटो बूथ, फिर उसके बाद इसमें आपको टाइम लैप्स वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, नाइट विजन मिल जाता है, मतलब बहुत सारे इसमें भी फीचर आपको मिल जाते हैं। ये इसका फ्रंट कैमरा जो है 32 मेगापिक्सल का और ये वीडियो है 1080p 30fps पे और वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये फोन में हिला के दिखा रहा हूँ आपको और आप स्टेबलाइजेशन वगैरह देख सकते हो। और ये है इसका 4K 30fps फ्रंट कैमरे से और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होगा और दिख तो अच्छा रहा है और रेंडर के बाद और भी अच्छा दिखेगा। और मैं आया हूँ खेतों में इसकी टेस्टिंग करने और कैमरा क्वालिटी मुझे अभी तक जितना मैं देख रहा हूँ अच्छा लग रहा है और एडिटिंग के टाइम और भी जब ये रेंडर होकर वीडियो मिलेगी मुझे और भी अच्छा हो जाएगा। तो नो डाउट कैमरा काफ़ी अच्छा है इसका और बहुत सारी कंडीशन में और भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। ये है इसका स्टेबलाइजेशन मोड ऑफ करके फ्रंट कैमरे से वीडियो और वीडियो हिल रही हो काफ़ी ज़्यादा, मैं भाग रहा हूँ तो। और ये मैंने फ्रंट कैमरा का स्टेबलाइजेशन ऑन कर दिया है और मैं आपको भाग के दिखाता हूँ, आप फर्क देख सकते हो। तो ये था इसका स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करके 4K 30fps पे फ्रंट कैमरे से। ये है स्टेबलाइजेशन मोड ऑफ करके और इसमें वीडियो में ज़्यादा फ़ोन हिल सकता है और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा हिल सकती है। फिर मैं बनाता हूँ स्टेबलाइजेशन ऑन करके और ये जैसा कि मैं भाग के वीडियो बना रहा हूँ और स्टेबलाइजेशन ऑन है और आप लोग इसका टेस्ट देख सकते हो कि कैसा स्टेबलाइजेशन ये प्रोवाइड कर रहा है। ये फोटो है नॉर्मल फ्रंट कैमरे से और जो कि काफी अच्छी क्वालिटी में आई है नो डाउट, और ये भी है फ्रंट कैमरे से और इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है। और ये है पोर्ट्रेट मोड और पोर्ट्रेट मोड काफी ज्यादा अच्छा है, अगर आप फोटो को जूम करके भी देखो तो पोर्ट्रेट इसने काफी अच्छा करा है, जो पीछे का ब्लर है वो भी काफी मस्त है और जो इसके एजेस वगैरह है वो भी काफी अच्छे से इसने डिटेक्ट किया है और काफी अच्छी क्वालिटी के पोर्ट्रेट फोटोज देता है। फिर पोर्ट्रेट में भी आपको जूम का एक फीचर मिलता है, आप जूम करके फोटो क्लिक कर सकते हैं और ये भी काफी अच्छी फोटो क्लिक किया है। फिर उसके बाद ये भी है नॉर्मल फोटो फ्रंट कैमरे से और ये है बैक कैमरे से 0.5x पे। फिर उसके बाद ये है 1x पे जो कि क्वालिटी काफी अच्छी है, 0.5x की उतनी बढ़िया नहीं थी, 1x की बढ़िया है। और ये फोटो है 2x पे और इसको अगर आप जूम करके देखते हो तो आपको काफी टेक्सचर टाइप इमेज देखने के लिए मिलेगी, मतलब उतनी बढ़िया क्वालिटी मुझे नहीं लगी। और ये है पोर्ट्रेट मोड बैक कैमरे से और ये भी काफी अच्छा है। और ये है 2x पे और आपको जो ब्लर दिख रहा होगा कान के पास वो उतना बढ़िया नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद ये है 1x पे, फिर उसके बाद ये है 2x पे, फिर उसके बाद ये है कुछ फूल की फोटोज। और फिर ये है बैक कैमरे से फोटो, आप डायनेमिक रेंज वगैरह देख सकते हो और जो कलर वगैरह वो काफी नेचुरल है। फिर उसके बाद ये है मैक्रो शॉट जो कि काफी अच्छा है। फिर उसके बाद ये है लो लाइट में पिक्चर्स, जैसा कि आप देख सकते हो ये है फोटो सुबह के 4 बजे की और जैसा कि आप क्वालिटी देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी है, ये लो लाइट में भी काफी अच्छी फोटोज क्लिक करता है। और ये इसका बैक कैमरा जो कि है 50 मेगापिक्सल का और ये रिकॉर्ड है 4K 30fps पे। इसमें आपको 60fps का सपोर्ट नहीं मिलता 4K में और इसमें आपको मिलता है डुअल रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का और बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे मैक्रो वगैरह मिलता है। और ये टेस्ट है वीडियो का जो कि है 4K वीडियो और आप लोग क्वालिटी अंदाजा लगा सकते हैं, मुझे तो अभी नहीं दिख रहा बट मैं जब रेंडर हो जाएगा देखूंगा तो मैं आपको लास्ट में ओवरव्यू दे दूंगा कि कैसा लगा मुझे इसका कैमरा। और मुझे लगता है इसका कैमरा काफी बढ़िया होगा क्योंकि जितना मैंने टेस्ट किया है काफी बढ़िया कैमरा इसका मुझे लगा है। ये है Moto Edge 50 का 1080p 30fps वीडियो और आप फोकस वगैरह टेस्ट कर सकते हो, मैंने ये धान में से घास उगाड़ के लाया है और फोकस वगैरह इसे टेस्ट हो सकता है कैसा फोकस है इसका। और घास के साइड में रख देते हैं, कोई जानवर आके खा जाएगा। और माइक BC का मैं यूज कर रहा हूँ, हवा वगैरह चल रहा है तो आप ये भी देख सकते हो, इसमें 3-3 माइक मिलते हैं तो कैसा है इसका माइक क्वालिटी सब कुछ आप देख सकते हो। और मैं आपको लास्ट में सब चीज़ का ओवरव्यू दे दूंगा कि कैसा है इसका कैमरा। तो ये है Moto Edge 50 का 1080p 60fps वीडियो और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको इसका कैमरा। और फोन तो मुझे काफी मस्त लग रहा है और इसका कैमरा भी मुझे लग रहा है काफी बढ़िया सा होगा। कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी है, लो लाइट में भी काफी अच्छी है और नॉर्मल फोटोज भी काफी अच्छी है, ये वीडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी है। बट अगर आप 0.5x पे फोटो वगैरह क्लिक करते हो तो उतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं मिलती। ये इसी फोन के साथ नहीं, सभी फोन के साथ होता है। अगर आप आईफोन में भी 0.5 पे क्लिक करोगे फोटोज तो उसमें भी लो क्वालिटी मिलेगी। 2x काफी बढ़िया है बट जो उसमें टेक्सचर इमेज आ रही है, जो फटी फटी सी इमेज आ रही है वो मुझे उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी, बट
प्राइस के हिसाब से ठीक है। फिर इसके बाद मुझे एक चीज इसमें बहुत ज्यादा पसंद आई, जैसे ओप्पो वीवो रियलमी जो फेस को एकदम स्मूथ कर देते हैं और थोड़ा गोरा करके दिखाते हैं, ये फोन वैसा नहीं करता। आपको ये फोन एकदम ओरिजिनल क्वालिटी फोटोज वगैरह देता है, कलर वगैरह भी काफी अच्छे दिखते हैं, और बहुत सारे लोगों को थोड़ा गोरा कलर पसंद होता है, मतलब जो स्मूथ होता है वो पसंद होता है, बट रियल कलर ये फोन ले रहा है वो बताने का मतलब था, और काफी सारे लोगों को रियल कलर पसंद होता है। तो कुछ इस टाइप का ये फोन है और काफी बढ़िया फोन है, आप कैमरा वाइज 100% इसको ले सकते हो और 20,000 रुपए के हिसाब से काफी अच्छा कैमरा है इसका। और बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने का मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम लोग मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।